सलाम मेरे अजीज पंखो, वीडियो शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आज की सबमिटेड वीडियो देखो। मेरा नाम बिलाल है, मेरे चैनल का नाम एवरीथिंग इज न्यूज़। प्लीज मेरी वीडियो को देखो और चैनल को सब्सक्राइब करें। दादा वास्ते है थाना। इस हफ्ते ना फेसबुक पर एक वीडियो ने धूम मचाई हुई है। इस वीडियो को मिले हुए हैं 9 मिलियन व्यूज। 9 मिलियन व्यूज। इस वीडियो में एक लड़का डोनन मॉल में ऐसे लगन से डांस कर रहा है कि मुझे यकीन है इसने कैटरीना कैफ को भी पीछे छोड़ दिया है। आई मीन जस्ट हैव अ लुक। ऐसे ठुमके देख के इवन आगे पीछे के लोग भी घबरा गए हैं जरा कि भाई हो क्या रहा है ये। इधर शॉपिंग करने आए थे भैया, ये हो क्या रहा है? ये देखने के लिए भी अलग पैसे देने पड़ेंगे क्या भैया? अरे आंटी भी इधर सैम के खड़ी नहीं है। क्या करूं मैं, डांस तो अच्छा कर रही है, पूरा देखूं या चली जाऊं? और बाकी के लोग रुक के देखना चाहते हैं पर रुक नहीं रहे क्योंकि हो हाय लड़के को अब डांस करता देखेंगे। लड़की होती तो सोचा जा सकता था, आखिर कैटरीना का डांस भी तो देखते ही है ना, पर इस लड़के का डांस तौबा तौबा। खैर इस वीडियो का कैप्शन है डांस इन हाइपर स्टार ऑन लॉन्ग लची पीएस इट वाज अ डेयर। बस बिल्कुल यही वजह है कि मुझे ट्रूथ और डेयर का गेम ही नहीं पसंद, क्योंकि इंसान को अंदाजा हो जाता है कि जितने दो नंबर उसके दोस्त होते हैं ना वो डेयर भी उतना ही घटिया देंगे। पर देखो बेचारे को कैसा फंसाया। पर नो रिग्रेट्स एट ऑल, ऐसा डेयर करने के लिए भी ना पहाड़ जैसी हिम्मत चाहिए। हिम्मत को भी छोड़ो, डांस चेक करो भाई का। भाई हम जैसे लोगों में तो इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता कि डॉक्टर के पास जाके उसको खुद बता सके कि मसला क्या है। अम्मी की तरफ देखती हैं और फिर अम्मी जान फरमाती हैं कि बीमारी क्या हुई है। लेकिन इस तरह से इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस देना मॉल के बीच में लोगों के सामने इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी बड़ी स्माइल के साथ। बहुत आला काम हो गया है। लेकिन जब इस वीडियो पे मेरी पहली नजर पड़ी ना तो मुझे लगा कि ये अपने बिलावल भुट्टो हैं जो शायद इलेक्शंस जीतने के लिए कोई नई कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन नहीं, आई वॉज रॉन्ग। शक्ल मिलती है वैसे थोड़ी बहुत। फिर दूसरा सवाल ये उठा कि इस आदमी ने ये फॉर्मल पैंट शर्ट क्यों पहनी हुई है? क्या इस आदमी की जॉब ही यही है? क्या होता होगा इसके घर में सुबह? ये रोज सुबह उठता होगा, मुंह हाथ धोया, ऑफिस जाने के लिए कपड़े पहने, जूते पहने, चश्मा लगाया, नाश्ता किया, जाते जाते कहा अम्मी मैं काम पर जा रहा हूं, और फिर ड्राइव करके डोमिन मॉल आया और फिर। हाँ ना, क्या पता इसकी जॉब ही यही हो। और फिर आगे पीछे की साइंस भी तो चेक करो ना यार, क्रेजी ऑफर हमेशा सस्ता। क्या ये लोगों को वार्न किया जा रहा है कि आदमी क्रेजी है और हमेशा सस्ते काम करता है? सो मेनी क्वेश्चंस। लेकिन जो भी है इस वीडियो को देख के दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। और फिर ऐसा ऐसा सारे लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए, हंसने लगे, देखने लगे। हाउ गुड इज दैट, वहाँ पर कितने लोगों का मूड अच्छा हो गया होगा। और आखिर में फिर ये अंकल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सके, ये देखो। How cute it is. अंकल को अपनी जवानी के दिन याद आ गए होंगे। कितना बुरा नाच रहा है ये फारग आदमी, मैं सिखाता हूँ कैसे करते हैं डांस। और फिर पीछे वाली आंटी भी खुश हो रही है कि चलो अच्छा फैसला किया मैंने रुक के देखने का। अच्छा जी अब आते हैं वीडियो के कमेंट्स पर। भाई as a Muslim it is not our tradition. Dance songs is totally haram in Islam. So humble request to you, please choose right way before die. Spread Islamic information and invite Salah to your surroundings. So please. बात तो ठीक ही है साहब ने, 100% ठीक का है, आई एग्री। लेकिन इन्हें पता कैसे चला कि वीडियो में डांस है? क्योंकि आपने वीडियो पूरी देखी तो आपको पता चला ना कि इस वीडियो में हो क्या रहा है। टाइटल में जब मेंशन है कि डांस है तो आपने वीडियो खोल के प्ले करके सारी वीडियो देख के मजे लेके आखिर में कमेंट कर दिया। भाई डांस करना अगर गलत है तो देखना भी तो गलत ही है ना, आप ना देखते इग्नोर करते। पर चलो छोड़ो, अगला कमेंट देखते हैं। टू ऑल दोस पीपल हु आर अप्रिशिएटिंग द कॉन्फिडेंस, इट इज एक्चुअली कॉल्ड बेगैरती, बट नन ऑफ यू विल अंडरस्टैंड बिकॉज़ टू डू सो यू विल नीड सम गैरत आल्सो। ओ डैम, बस साबित हो गया आज साबित हो गया कि पूरी दुनिया में सिर्फ इस इंसान के पास गैरत है क्योंकि इसने सबको बेगैरत डिक्लेयर कर दिया। अब कोई आर्गुमेंट नहीं आएगा। नहीं क्या हुआ कि कोई इंडियन मूवीज में होने वाले आइटम नंबर्स को हम ही लोग एंजॉय करते हैं, डेले फाड़ के देखते हैं। पर दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान। किसी दूसरे मुल्क में होता तो चलता बल्कि दौड़ता, पर पाकिस्तान में ना ना नेवर। पाकिस्तान में ना इस वक्त पानी को बचाने के लिए डैम्स बनाने के लिए फंड जमा हो रहे हैं और दूसरी तरफ सिनेमा में लगी हुई है संजू मूवी। संजू मूवी ने पाकिस्तान में 3 दिन में 12 करोड़ का बिजनेस किया है और डैम्स के लिए हमारे इन्हीं गैरतमंद लोगों ने कितने फंड इकट्ठे किए हैं? 12 लाख।
सिर्फ 12 लाख। और यही है हमारी गैरेज जो सिर्फ ऐसी बातों पे जागती है जहाँ एक आदमी सिर्फ हंसी मजाक कर रहा है, आगे पीछे के लोग हंस रहे हैं, 2 मिनट की खुशी मिल रही है, लेकिन ये सब गलत है। अपनी गैरत लेके ना उसको फ्रेम करवा के घर में लगा लो, किसी काम की नहीं है ये, जो गलत जगह पे जागती है। उसके अलावा अगर तुम्हें इंटरनेट पे कुछ अच्छा नहीं लगता तो मत देखो ना, कौन फोर्स कर रहा है तुम्हें देखने के लिए, मत देखो, डिसलाइक करो और चले जाओ। पूरा देख के मजे ले के गालियां देना कहां का इंसाफ है भाई। और जब कुछ अच्छा नहीं बोल सकते ना तो मुंह बंद ही रखा करो खुदा दा वास्ते। ही इज नॉट हर्टिंग एनीवन, फिर किस बात का मसला। अदर देन दैट, इस लड़के का नाम मेहरोज बेग है। ही इज एन अमेजिंग डांसर, जैसा कि हम सब देख चुके हैं। गो चेक आउट हिज चैनल, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। और इस वीडियो को कोई दिल पे ना ले ले, आई एम रियली इंप्रेस्ड विद दोज मूव्स। बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर मेहरोज। और आज का कमेंट जो मैंने लिया है अपनी लास्ट वीडियो से, आई कैन टोटली रिलेट। घर में बच्चों के ऊपर से गुजर जाओ तो मम्मी कहती है कि वापस दोबारा से गुजरो, ताकि पहली बार गुजरने का इफेक्ट कैंसिल हो जाए। ओ यस, ये भी था, ये तो मैं भूल ही गई मेंशन करना। यार तुम लोगों ने इतने मजे की बातें और बताई है ना, मुझे दूसरी वीडियो बनानी ही पड़नी है इस टॉपिक पे। एंड थैंक्स लॉट इतना पसंद करने के लिए। इसके अलावा अगर तुम भी मेरी वीडियोस का हिस्सा बनना चाहते हो तो मुझे अपना इंट्रो रिकॉर्ड करके इस ईमेल पर सेंड करो। तुम्हें क्या कहना है, कैसे कहना, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मेरी लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो, बेल जरूर बजा देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो जरूर बताओ। और बात सुनो यार, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, मुझे 10,000 फॉलोअर्स चाहिए। और अभी जाओ भागो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी चेक कर लिया करो। चलो फिर मिलते हैं 2 दिन बाद एक नए टॉपिक के साथ।